दोस्तों, बदलते वक्त के साथ दुनिया भर के वैज्ञानिक नए नए चीजों का आविष्कार करने में लगे हुए हैं। हर दिन हमें कुछ नए नए चीजें देखने को मिलती है। एडवांस टेक्नोलॉजी की मदद से अब वैज्ञानिक स्मार्ट रोबोट बनाने में भी सक्षम है। आज के इस वीडियो में हम वैज्ञानिकों द्वारा बनाए गए कुछ ऐसे ही इंटेलिजेंट रोबोट्स के बारे में बताएंगे, जिसे देखकर आपके भी होश उड़ जाएंगे। एक ऐसा रोबोट जो बिल्कुल बटरफ्लाई की तरह दिखता है, और एक ऐसा रोबोट जो आपके लिए खाना भी बना सकता है। तो आइए जानते हैं इन रोबोट्स के बारे में। लेकिन दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। नंबर एक पर है बटरफ्लाई रोबोट्स। इसे दुनिया का सबसे सुंदर रोबोट कहना गलत नहीं होगा। इसे बटरफ्लाई की तरह बनाया गया है, और पहली बार जब आप इसे देखेंगे तो एक पल के लिए आप भी कंफ्यूज हो जाएंगे कि ये एक बटरफ्लाई है या फिर रोबोट। इस बटरफ्लाई का वजन 32 ग्राम है, यानी एक छोटे चॉकलेट के जितना। इसमें दो पंख लगे हुए हैं और एक छोटी सी बैटरी। इसे एक बार चार्ज करने के बाद ये 15 मिनट तक आराम से चलती है। ये जब हवा में उड़ती है तो बिल्कुल असली के बटरफ्लाई की तरह ही दिखती है। वैसे आपको बता दूं कि ये कोई साधारण रोबोट नहीं है, ये कई तरह के एडवांस टेक्नोलॉजी से लैस है। इसमें एक छोटा सा कैमरा भी लगा हुआ है, जो आपके हर एक एक्टिविटी को रिकॉर्ड करके आपके कंप्यूटर में भेज देता है। दूसरे नंबर पर है डॉग रोबोट। बोस्टन डायनामिक्स आजकल रोबोटिक्स में ऑर्गेनिज्म पर काम कर रही है, और इसीलिए उन्होंने उनके डॉग रोबोट बनाए हैं, जिन्हें सबसे पहले तो मिलिट्री पर्पस के लिए बनाया जा रहा था, लेकिन अभी सिक्योरिटी जैसे मामले में वो बहुत ही लो लेवल में थे। और फिर कुछ सालों बाद इन्होंने US मिलिट्री के ऑर्डर पर एक ऐसा चीता बनाया जो 45 किलोमीटर पर और की स्पीड से दौड़ सकता है, और किसी भी आदमी को पकड़ के उसे खत्म भी कर सकता है। लेकिन अभी उनका एक नया रोबोट आया है जो टोटल पेट डॉग रोबोट है, जो किसी भी रास्ते पर आसानी से चल सकता है, दीवारें कूद सकता है, सामान उठा सकता है, और खुद का रास्ता अपने आप ही बना सकता है, और आपके लिए कुछ भी सामान लाकर दे सकता है, यहाँ तक कि आपके घर का पूरा काम भी कर सकता है। इस रोबोट को एक बार चार्ज करने के बाद ये 90 मिनट तक आराम से चलता है। तीसरे नंबर पर है रोबोट कुक। रोबोट कुक कोई ऑर्गेनिज्म नहीं है, लेकिन ये एक ऐसा इन्वेंशन है जो आपको बहुत पसंद आएगा। ये एक ऐसा रोबोट है जो आपके लिए खाना बना सकता है। ये एक रोबोटिक आर्म्स है जिसे आपके किचन में लगा दिया जाता है, जिसके बाद आप इससे कुछ भी बनवा सकते हैं। इसे आप अपने स्मार्टफोन से कनेक्ट करके कंट्रोल कर सकते हैं, और इसे अलग अलग डिशेस बनवा सकते हैं। खाना बनाने के साथ साथ ये गंदे बर्तनों को साफ करता है, और बेसिन को भी साफ सुथरा रखता है। तो दोस्तों, क्या आप इस रोबोट के हाथ से बने खाना खाना पसंद करेंगे? हमें कमेंट करके जरूर बताना। चौथे नंबर पर है असीमो रोबोट। असीमो एक इंसानी तरीके से काम करने वाला रोबोट है, जिसे होंडा कंपनी ने बनाया था। इसका काम 80 के दशक में शुरू हुआ था, लेकिन 2000 में इसकी पहली बार मार्केट में लॉन्चिंग हुई थी। ये रोबोट किसी भी ऑब्जेक्ट को डिटेक्ट करके उसकी स्पीड, डायरेक्शन और दूरी को भी तुरंत ही मेजर कर लेता है। ये रोबोट इंसानों की हर एक एक्टिविटी को समझता है, और उसका रिप्लाई भी करता है। इसमें बहुत ही हाईटेक सेंसर्स लगे हैं, जिसकी वजह से किसी भी चीज को जल्दी समझ लेता है। इसके हाइट की बात करें तो ये 4.3 फीट का है, और इसका वजन 53 किलो का है। इसकी बैटरी एक घंटे में फुल चार्ज हो जाती है, जिसके बाद आप इससे किसी भी तरह का काम करवा सकते हैं। पांचवें नंबर पर है सोफिया। ये दुनिया का सबसे फेमस रोबोट है। ये दुनिया की पहली ऐसी चीज है जिसे इंसानों के अलावा सिटीजनशिप मिली है। जी हाँ, साल 2017 में सऊदी अरबिया ने सोफिया को उनके देश का सिटीजनशिप दिया था, और उसे वो सारे अधिकार मिले हैं जो एक नॉर्मल इंसान कर सकता है। सोफिया को 14 फरवरी 2016 को एक्टिवेट किया गया था। ये रोबोट AI विजुअल डेटा प्रोसेसिंग और फेशियल रिकॉग्निशन से बात कर सकता है। सोफिया को 60 से ज़्यादा एक्सप्रेशन भी आते हैं, यानी ये अलग अलग तरह के एक्सप्रेशन बना सकती है। इस रोबोट को बनाने में $2 मिलियन खर्च हुआ था। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आपको इनमें से कौन सा रोबोट सबसे अच्छा लगा, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपके पास ढेर सारा पैसा हो तो आप इनमें से कौन से रोबोट को खरीदना चाहोगे, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, और इसी तरह की और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।